उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन के कई प्रमुख उद्योग घरानों से मुलाकात कर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में लंदन में पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ का इन्वेस्टर MOU साइन भी किया गया है। राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने MOU साइन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी निवेशकों को आगामी दिसंबर माह में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इको फ्रेंडली टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। पोमा ग्रुप दुनिया भर में रोपवे निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी है। पोमा ग्रुप का उत्तराखंड में काम करने का बहुत पुराना अनुभव है। चमोली जिले के औली रोपवे में पोमा ग्रुप तकनीकी सहयोग प्रदान कर चुका है। इसके अलावा वर्तमान में पोमा रोपवे, देहरादून मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट्स में भी तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पोमा ग्रुप द्वारा हरिद्वार समेत कई अन्य धार्मिक और पर्यटक स्थलों में रोपवे के लिए तकनीकी सहयोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निवेश की इच्छा जाहिर की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार का फोकस पर्यटन के साथ साथ इकोलॉजी और इकोनॉमी पर भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश के लिए ऐसे रास्तों की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि लंदन सर्विस सेक्टर का भी बड़ा केंद्र है, इसीलिए यहां टूरिज्म, आईटी, हेल्थ केयर के क्षेत्र के बड़े निवेशक कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ की कृषि जलवायु भी अन्य राज्यों से भिन्न है। आज के दौर में यूरोप से लेकर सभी देशों के ऑर्गेनिक उत्पादों की विशेष मांग है। उन्होंने कहा कि समिट के जरिए उत्तराखंड के उत्पादों को विदेशों में और प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दुनिया भर से निवेशक उत्तराखंड का रुख करें ताकि यहां की औद्योगिक गतिविधियों को और रफ्तार मिल सके। उत्तराखंड से स्टेट है अवनीश जैन की रिपोर्ट।